गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज महामैराथन रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। बारिश के इस मौसम में पूर्वी भारत यानी के यूपी राज्य में इसमें बारिश हो रही है आज, और हमारे यहाँ भी हो रही है, और इसी बारिश के मौसम के नज़ारे को देखते हुए एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आज की रात मैराथन में आपके सामने ला रहा हूँ। और उस प्रश्न को देखने के बाद आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छे नए सब कुछ प्रश्नों का मेल है इसमें। तो आपके सामने स्क्रीन पे है फेसबुक लाइव क्लास डेली 9:30 बजे चलती है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि 2 वीडियो चल चुका है अभी तक लाइव क्लास की 9:30 बजे रात की। तो आज की रात 9:30 बजे तीसरा वीडियो आपका लाइव जाएगा फेसबुक लाइव पर। और कई लोग कह रहे हैं कि सर फेसबुक पे मिल नहीं रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं, अगर फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पे एक ऑप्शन आता है सर्च का ऊपर कोने पे, उस सर्च ऑप्शन पे क्लिक करिए, उसमें एएमयू क्लासेस आर्ट लिखिए और सर्च मारिए, डायरेक्ट मेरा चैनल का लोगो और चैनल का वो रंगीन लोगो आपको दिखाई देगा, और उसमें आपको वीडियो भी मेरे लाइव क्लास दिखाई दी, वहीं पर जाइए फॉलो कर लीजिए, डायरेक्ट एकदम सर्च मारते ही आ जाएगा, ठीक है। तो 9:30 बजे रात को चलती है एएमयू क्लासेस की लाइव क्लास, इसे याद रखिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा मित्रों। पहला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे इस समय है सामने, वो कह रहा है चंपावती बिल्हड़ नामक चित्र किस ग्रंथ का सुंदर उदाहरण है। पहले प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है और प्रश्न का कहना है कि चंपावती बिल्हड़ ये जो चित्र है किस ग्रंथ का एक सुंदर एग्जाम्पल है, उदाहरण है। कल्पसूत ग्रंथ का, गीत गोविंद ग्रंथ का, रसिक प्रिया ग्रंथ का, या चौर पंचासिका का, किसका है, किस ग्रंथ का एक बेहतरीन उदाहरण है चंपावती बिल्हड़। ठीक है, तो चलिए शुरू हो चुकी आज की रात की 8 बजे की मैराथन क्लास आपकी, जैसा कि डेली रात 8 बजे चलता है, तो 8 बजे ही ये क्लास आपकी शुरू हो गई है। और आप शुरू कर दीजिए अपने आंसरों के कमेंट्स करना तुरंत मेरे उत्तर से पहले आज के टेस्ट सीरीज में। तो पहला प्रश्न जो हमारा है उसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा चौर पंचासी का। चंपावती बिल्हड़ नामक चित्र बेहतरीन उदाहरण है चौर पंचासी का। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों, निम्न में से किस ग्रंथ में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख मिलता है। नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख किस ग्रंथ में इसमें से मिलता है, रूपमंडल में, प्रसाद मंडल में, संगीत राज में, या गीत गोविंद में। प्रश्न हमारा ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही गहराई तक के प्रश्न हमने जो है बेहतरीन टच किए हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसके प्रश्न जो है इसके उत्तर उम्मीद से बेहतर देने की कोशिश हमें करेंगे। क्या प्रश्न है कि किस ग्रंथ में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख मिलता है। तो मित्रों ये हमारा प्रश्न का सही जवाब होगा संगीत राज में। किस में? संगीत राज में। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए, इसको लिखा है महाराणा कुंभा ने खुद। महाराणा कुंभा जो मेवाड़ के शासक रहे, वो भी उनका समय था 1433 से 1468 के बीच, और उन्होंने खुद ये स्वरचित पुस्तक यानी खुद इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा है जिसमें नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर और ये हो गई थोड़ी सी हमारी जानकारी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस शैली की कृति है। भागवत पुराण का परिजात अवतरण ये कौन सी शैली की कृति है। ठीक है, मारवाड़ शैली की है, हड़ौती शैली की है, ढूढ़ा शैली की है,
या फिर मेवाड़ शैली के हैं। मतलब ये चित्र है, इस समय जो आप देख रहे हैं वो चित्र का नाम है भागवत पुराण का परिजात अवतरण, ये चित्र का नाम है, ठीक है। और इस चित्र को पूछ रहा है किस शैली में चित्रित किया गया। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला इस बार भी कोशिश किया है मैंने लेने के लिए, लेकिन कभी कभी कुछ कमेंट्स पढ़ के थोड़ा बड़ा अजीब लगता है, अजीब क्या कह लीजिए, थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करिएगा, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर बकवास बहुत करते हो, एक शब्द इस्तेमाल करते हो लोग, उससे उनकी शिक्षा का पता चलता है, उनके संस्कार का पता चलता है, बकवास बहुत करते हो, बकवास कम किया करो वगैरह वगैरह। और वहीं जो हमारे सब्सक्राइबर जो अच्छे लोग हैं पढ़ रहे हैं वो पढ़ते जाते हैं बिना किसी सवाल के, थैंक यू बेस्ट इस तरह के कमेंट्स भी कर लेते हैं। लेकिन जिनको बकवास लगता है उनको अभी नहीं समझ में आएगा, उनको समझ में तब आएगा जब उन कंपटीशन में बैठेंगे, या तो वो पहली बार होंगे या फिर कई बार पढ़ने के बाद कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में होंगे, इसलिए उनको ये प्रश्न और इसमें बताए गए चीज़ें बकवास लगती हैं, या फिर कह लीजिए बताना ही बकवास लगता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वो हो जाएगा मेवाड़ शैली की। भागवत पुराण का परिजात अवतार किस शैली का है? मेवाड़ शैली का चित्र है ये, ठीक है। और इस पर एक बात, इस प्रश्न पे और कहना चाहेंगे कि अगर सचमुच आप काबिल हैं जो बकवास की बात करते हैं, तो इस चित्र को किसने बनाया है, किस चित्रकार ने इसको बनाया है, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग। भागवत पुराण का परिजात अवतरण किस शैली का चित्र है मेवाड़ का, और किसने बनाया है, कमेंट्स करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है हमारा, रसिक प्रिया के कितने पृष्ठ महाराजा बीकानेर के संग्रह में हैं? रसिक प्रिया इसके कितने पृष्ठ जो है महाराजा बीकानेर के संग्रह में संग्रहित हैं, ठीक है। 21 पृष्ठ, 20 पृष्ठ, 15 पृष्ठ या 18 पृष्ठ, पृष्ठों की संख्या सिर्फ आपको बतानी है। रसिक प्रिया में कितने पृष्ठ महाराजा बीकानेर के संग्रह में हैं? तो मित्रों 21 पृष्ठ जो हैं वो महाराजा बीकानेर के संग्रह में रसिक प्रिया के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, साहिबदीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण के कितने स्कंद हैं? भागवत पुराण चित्रित किया गया साहिबदीन के द्वारा, साहिबदीन जो थे, साहिबदीन और मनोहर, ठीक है, ये दोनों लोग मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। तो ये जान लीजिए कि मेवाड़ शैली के वो चित्रकार थे। मेवाड़ शैली की उपशैली भी है, नाथद्वार, देवगढ़, इस तरह से, तो ये कुछ स्पेशल प्रसिद्ध थे। तो साहिबदीन ने चित्रित किया भागवत पुराण को, कितने स्कंद हैं उसके, ठीक है, 8, 7, 4 या आपके 3। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मित्रों वो आपका हो जाएगा सी, 4 स्कंद हैं। कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए, 8, 9 पृष्ठ की बात कर रहा है उस ग्रंथ की, 11 और 12। कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि साहिबदीन द्वारा चित्रित भागवत पुराण के स्कंदों में से एक है इनमें से, तो हो सकता है इन चारों में से कोई ऑप्शन आपके सामने पड़ा हो, ठीक है। और उस भागवत पुराण में 234 पृष्ठ ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे चित्र मिले हैं, उसका प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, तब उस पर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, सचित्र ग्रंथ रामायण की दूसरी प्रति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? रामायण की दूसरी प्रति इस समय कौन से संग्रहालय में सुरक्षित की गई है? दूसरी प्रति की बात कर रहा है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में, सरस्वती भंडार उदयपुर में, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद में, या आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है।
प्रश्न है रामायण। रामायण जो ग्रंथ है उसको किसने चित्रित किया था? मनोहर ने। पहले तो ये जान लीजिए जानकारी कि मनोहर के द्वारा चित्रित की गई रामायण मेवाड़ शैली में। कौन सी शैली में? मेवाड़ शैली में। और उसकी एक प्रति जो है उसके बारे में तो बाद में बताऊंगा, पहले दूसरे प्रति की बात करेंगे कि दूसरी प्रति इसमें से कहाँ सुरक्षित है मनोहर द्वारा चित्रित रामायण। तो मित्रों वो सुरक्षित है आपकी सरस्वती भंडार उदयपुर में। कहाँ सुरक्षित है? सरस्वती भंडार उदयपुर में। और ये प्रति, ये रामायण की ये प्रति जो है ये लिखी गई थी आपकी 1651 ईस्वी में चित्तौड़ में। कहाँ लिखी गई थी? चित्तौड़ में। ठीक है, अच्छा ये तो दूसरी प्रति हो गई। और पहली प्रति कहाँ है तो ये भी जान लीजिए। पहली प्रति जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। ठीक है, तो चलिए इसी जानकारी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है आपसे, भ्रमर गीत किस कलाकार ने चित्रित किया था? चित्र का नाम है भ्रमर गीत। चित्रित किया किस कलाकार ने? मनोहर ने या फिर केशवदास ने, महेश ने या शहाबुद्दीन ने? तो कमेंट्स का सिलसिला जारी रखिए। बहुत ही सुपर प्रश्न आज के भी हैं और देखते हैं इस सुपर प्रश्नों में कितने लोग अपना सही करते हैं। प्रश्न का कहना है भ्रमर गीत ये चित्र है और इसको किसने चित्रित किया? तो मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब है साहबुद्दीन ने इसको चित्रित किया है। किसने चित्रित किया है भ्रमर गीत को? साहबुद्दीन ने चित्रित किया है, पहली बात। और ये किस उपशैली में है मेवाड़ के? तो ये मेवाड़ के नाथ द्वार उपशैली में चित्रित ग्रंथ है, याद रखिएगा। ठीक है, नाथ द्वार। और ये चित्रित हुआ था कब? तो आपको मैं बता देता हूँ, 1659 ईस्वी में इस चित्र की रचना हुई थी। कब हुई थी? 1659 ईस्वी में। और ये भी सरस्वती भंडार उदयपुर में रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, महाराणा अमर सिंह कालीन चित्रों में रसिक प्रिया के कितने लघु चित्र उल्लेखनीय हैं? महाराणा अमर सिंह, ठीक है, के काल में के चित्रों में, समझिएगा पहले प्रश्न को क्या कहना चाहता है। महाराणा अमर सिंह का समय जब चल रहा था राज्याभिषेक का, तो उनके समय में जो रसिक प्रिया बना लिख है उनके चित्रों में कितने लघु चित्रों का उल्लेख मिलता है, ये कह रहा है। एक अच्छी बात आपको मैं बता देता हूँ, इस मेवाड़ शैली में जो भी रहा हो राजस्थान से संबंधित, जो भी शैली हो, ढूढ़ाड़ रही हो, मारवाड़ रही हो, हड़ौती रही हो, उसकी जितनी भी उपशैलियाँ रही हों, सबसे अच्छी बात आपको आपको बता दें, गीत गोविंद, राग माला, कल्पसूत्र भी, रामायण, भागवत पुराण, रसिक प्रिया, सभी जो भी आए हैं उसी पे आधारित चित्रों को उन्होंने अपने अपने शासन में उसी नाम से बनवाया है। ये भी एक बड़ा लॉजिक की बात है, इसलिए कन्फ्यूजन भी बहुत करता है, ध्यान दीजिएगा। तो रसिक प्रिया के कितने लघु चित्र उल्लेखनीय है महाराणा अमर सिंह कालीन के चित्रों में, ये हमारा प्रश्न है। और इस प्रश्न का हमारा सही जवाब जो है वो है आपका 46 लघु चित्र। कितने लघु चित्र उल्लेखनीय है? 46 लघु चित्र मित्रों उल्लेखनीय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है और प्रश्न का कहना है, देखिएगा, सुर सिंगार किस शैली का प्रमुख ग्रंथ है? प्रश्न का क्या नाम है? प्रश्न का पूछना है सुंदर श्रृंगार। देखिए मैं सुर श्रृंगार कह रहा हूं, सुंदर श्रृंगार ये ग्रंथ है और किस शैली में लिखा गया ये ग्रंथ है? राजस्थानी शैली में, बीकानेर शैली में, मेवाड़ शैली में या चंबा शैली में? ठीक है, इसकी कुछ जानकारियां भी मैं आपको देते चलता हूं, तब तक आप लोग कमेंट्स करिए उत्तर का। ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये महाराणा
संग्राम सिंह द्वितीय के समय में लिखा गया, संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, जिनका काल था 1770 से लेके 1734 ईस्वी तक, इनका समय काल रहा शासक का मेवाड़ शैली से संबंधित थे, लेकिन उनके शासनकाल में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। देखिए गीत गोविंद भी उनके समय में लिखी गई है, और भी बहुत सारी, कलिया दमन आपने पढ़ा होगा, वो भी इन्हीं के समय में लिखा गया, महाराणा संग्राम सिंह के। उसी में सुंदर श्रृंगार इन्हीं के समय में लिखा गया है, तो वो कौन सी शैली है मित्रों, तो वो शैली है आपकी मेवाड़ शैली। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बोल भी रहा था मेवाड़ शैली बार बार, तो थोड़ा सा आप पकड़ लेंगे तो पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, किस राजा के शासनकाल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हो गई थी? किस राजा के शासनकाल में बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हो गई थी? यानी वो राजा जो था उनके शासनकाल में बड़े बड़े पन्नों पे चित्र बनाए जाते थे, क्या वो महाराणा जगत सिंह थे, महाराणा हमीर सिंह थे, महाराणा भीम सिंह या महाराणा जय सिंह? किनके समय में इसमें से बड़े बड़े पन्नों पर चित्र बनाने का कार्य शुरू हुआ था? यह है हमारा अगला प्रश्न इस वीडियो का सुपर महा मैराथन बेस्ट श्रृंखला आज की, और देखते हैं कि इस टॉप प्रश्नों की सीरीज को कौन बेस्ट करके साबित करता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है महाराणा हमीर सिंह के समय में जो है बड़े पन्नों पर चित्र बनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मित्रों, किस शैली में चित्र बड़े आकार के कागजों पर और कपड़ों पर मिलते हैं? जो चित्र हैं वो बड़े आकार के कागजों और कपड़ों पर मिलते हैं, किस शैली के? मुगल शैली के, राजस्थानी शैली के, पहाड़ी शैली के या राजपूत शैली के? ध्यान से देखिएगा, बड़े आकार के कागज और कपड़ा, यानी दोनों चीज़ें बड़े आकार की थी, कपड़ा भी बड़े आकार का था और कागज भी बड़े आकार का था। तो जिस शैली में इस पे चित्र बने वो था आपका राजपूत शैली। कौन शैली था? राजपूत शैली। अगला प्रश्न देखिए हमारा कह रहा है, मेवाड़ शैली में पुरुषों के मुकुट को बनाने में प्रयोग किया गया, पुरुषों के मुकुट को बनाने में इस्तेमाल किया गया मेवाड़ शैली में, यहाँ क्या पूछ रहा है? वर्ण से आशय है, मतलब रंग से आशय यहाँ पूछ रहा है, मतलब पुरुष के जो मुकुट बनाए जाते, जो मुकुट राजा महाराजा पहनते थे, जो उस समय के पुरुष मुकुट इस्तेमाल करते थे, वो लाल रंग से बने होते थे, पीला रंग से, स्वर्ण रंग से या इन सभी रंगों से बनाए जाते थे? तो ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा है ये भी प्रश्न, और देखते हैं कि आज की जो श्रृंखला मैंने निकाली है आज, देखते हैं कितने लोग इसमें कितना अपना परफॉर्मेंस करते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है मित्रों स्वर्ण रंग से। अब आप सोचेंगे, हमको पता है क्या सोच रहे होंगे आप, कि मेवाड़ शैली में आपने पढ़ा होगा कि बिजली का जो, बिजली की चमक को जो है स्वर्ण रंगों से रंगा जाता था मेवाड़ शैली में, बिजली जो बादल गरजता था बिजली का, उसकी बात कर रहा है। लेकिन एक बात और बता दें आपको, बिजली के अलावा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझा रहा हूँ बस वो समझिए, बिजली के अलावा आपके पुरुषों के मुकुट, उसके अलावा आपके मित्रों जो स्त्रियाँ थीं उस समय की, उनकी जो साड़ी होते थे, साड़ी के जो हैं उनको भी स्वर्ण रंग से रंगा जाता था। ये तीन बातें आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है, देवगढ़ उपशैली का चित्र सूर्य पूजा वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? देखिए आपके प्रश्न में ही आपको अच्छे खासे जो है उत्तर मिल जाएंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या प्रश्न है हमारा? देवगढ़ उपशैली, देवगढ़ उपशैली किसकी है? मेवाड़ शैली की उपशैली है।
और उसका चित्र है सूर्य पूजा, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में कहाँ सुरक्षित रखी गई है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी गई है। आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन संग्रहालय में रखी गई है, या प्रिंस ऑफ वेल्थ म्यूजियम मुंबई में। तो आपसे प्रश्न अगर बनाना हो एक नया एग्जामिनर को या किसी को भी दिमाग में आ जाए, तो आपसे क्या प्रश्न पूछ सकता है, वो यही आपसे पूछ सकता है कि सूर्य पूजा कौन सी शैली के उपशैली का चित्र है। तो आपके दिमाग में रहना चाहिए देवगढ़ उपशैली, ठीक है, यानी कौन से शैली की उपशैली का चित्र है, ये पूछ सकता है। या नॉर्मली ये भी पूछ सकता है कि सूर्य पूजा किस शैली का चित्र है, तो वहाँ उपशैली की बात नहीं करेगा, तो हम मेवाड़, अगर ऑप्शन में रहता है देवगढ़ नहीं तो मेवाड़ में ले लेंगे, क्योंकि मेवाड़ की उपशैली है। लेकिन ये प्रश्न जो पूछ रहा है, इसका सही जवाब हमारा है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है, ठीक है, सुरक्षित। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, कर्नल टाड की सवारी किस शैली का चित्र है। ये प्रश्न तो आपने बहुत पढ़ा होगा इसका, कि कर्नल टाड की सवारी किस शैली का चित्र है। लेकिन कर्नल टाड की सवारी को चित्रित किस चित्रकार ने किया है, ये हमारा प्रश्न पूछ रहा है इस समय, ठीक है। कर्नल टाड की सवारी चित्र को किस चित्रकार ने चित्रित किया, बैजनाथ ने, कौला प्रथम ने, मनोहर ने, या साहिबद्दीन ने। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि मेवाड़ शैली में दो ही चित्रकार थे जिनका नाम था मनोहर और साहिबद्दीन, दो के अलावा भी थे, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, यानी ज़्यादा प्रसिद्ध थे ये। कुछ लोग होते हैं ना जो विख्यात होते हैं, मतलब कई सारे, जैसे सपोज करिए कि हम लोग कंपटीशन में आप लोग जा रहे हैं, अब उस कंपटीशन में कुछ लॉजिकली दिमाग के इतने काबिल होंगे जो अपने प्रश्नों को समझ भी लेंगे और आपसे दो प्रश्न अधिक करके आएंगे। तो आप भी कला के टीचर के लिए जा रहे थे, वो भी जा रहे थे, लेकिन वो आपसे काबिल निकले, ठीक है, तो ये दिमाग मत रखिएगा। तो कर्नल टाट की सवारी के चित्र के चित्रकार जो हैं वो हैं आपके बैजनाथ, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है। सबसे पहले मेवाड़ शैली की उपशैली जो देवगढ़ है को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है। सबसे पहले मेवाड़ शैली की जो उपशैली है जिसका नाम है देवगढ़, और भी उपशैलियाँ हैं मेवाड़ शैली की, यहाँ सिर्फ मैं एक की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा जो और उपशैलियाँ हैं उसमें एक उदयपुर है, उदयपुर भी मेवाड़ शैली की उपशैली है, और नाथ द्वार भी मेवाड़ शैली की उपशैली है, लेकिन यहाँ सवाल क्या है, सिर्फ और तीसरा देवगढ़ है, यानी तीन उपशैलियाँ हैं मेवाड़ शैली की, तीन। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मेवाड़ शैली की कितनी उपशैलियाँ हैं, तो मित्रों आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं कि तीन उपशैलियाँ हैं मेवाड़ शैली की, कौन कौन, उदयपुर, नाथद्वार और देवगढ़। तो यहाँ प्रश्न हमारा यह है कि सबसे पहले मेवाड़ शैली की जो उपशैली देवगढ़ है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है पी एन चोयल को, श्रीधर अंधारे को, हरमन गोएट्स को, या डब्ल्यू जी आर्चर को। तो चलिए कमेंट्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए, और देखते हैं कि आज के वीडियो को कितने लोग लाइक शेयर देते हैं अच्छे रहने पे। और इस प्रश्न का हमारा सही जवाब है श्रीधर अंधारे को जाता है सबसे पहले इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है हमारा, किस उपशैली में श्रीनाथ जी को कृष्ण का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है। श्रीनाथ जी को कृष्ण भगवान का प्रतीक मानकर पूजा करने की प्रथा, या कह लीजिए जो है ट्रेडिशन इस जमाने के शब्द के हिसाब से चला था, जोधपुर शैली में, बूंदी शैली में, नाथद्वार शैली में, या शेखावटी शैली में। तो चलिए मित्रों ड्रॉप करिए अपने प्रश्नों के उत्तर का, और उस उन सब्सक्राइबरों से तो हम्बल रिक्वेस्ट है जिन्हें लगता है कि बकवास चल रहा है या बकवास हम कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो कहीं और पढ़ लें, आपसे मैं हाथ जोड़ के भी दूँगा कि आप कहीं और पढ़ लीजिए, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए मित्रों, हो सकता है आपको कहीं और अच्छा मिले
और मुझसे अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिले तो बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको कहूँगा कि भगवान करे कि आप वहाँ अच्छा करके अच्छा से सिलेक्शन ले लें, ठीक है। तो श्रीनाथ जी के प्रतीक मानकर पूजा की जाती थी, इसमें जिस उपशैली में, वो उपशैली है नाथ द्वार शैली। कौन सी? नाथ द्वार शैली मेवाड़ की उपशैली है। और क्यों इस तरह की पूजा की जाती थी? श्रीनाथ जो है एक मूर्ति थी और उस समय औरंगजेब का शासक था और औरंगजेब ने कहा था कि इस मूर्ति को कोई नहीं लेगा, अपने पास रखेगा। और इस तरह से लेके वहाँ के पंडितों ने चारों तरफ घुमा, इस पर एक प्रश्न भी मैंने बहुत पहले बनाया था। तो यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ पे आके उस मूर्ति को रखी गई, इसलिए इसको श्रीनाथ के जो नाथ द्वार नाम दिया गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ कहानियाँ हैं उसकी, मैंने मोटा मोटा सिर्फ बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, नाथ द्वार उपशैली के प्रमुख चित्रकारों में शामिल हैं। नाथ द्वार उपशैली के प्रमुख चित्रकारों में चंपालाल हैं, तुलसीराम हैं, हीरालाल हैं, या यह सभी चित्रकार नाथ द्वार उपशैली में शामिल हैं? यह प्रश्न हमारा है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट्स करेंगे। और जो मैंने कहानी नहीं बताई है अभी थोड़ी देर पहले कि श्रीनाथ जी की जो है लेके आया गया मूर्ति, तो जो राजा, जिस राजा ने उसको एक्सेप्ट किया था उस समय, औरंगजेब के डर से नहीं लोग करते थे, वो थे महाराजा राज सिंह। उन्होंने जो है 1672 में उस मूर्ति को एक्सेप्ट किया अपने शासन में और वहीं से तब से वो नाथ द्वार के रूप में प्रचलित हो गई, ठीक है। तो नाथ द्वार उपशैली के प्रमुख चित्रकारों में इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों, यह सभी, यानी कि हमारे चंपालाल, तुलसीराम, हीरालाल, ये सभी नाथ द्वार शैली के चित्रकार हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चित्रकार हैं, घासीराम, भगवान, बिटुल, हीरालाल, देव कृष्ण, चतुर्भुज, नारायण, रामलिंग, ये जितने मैं नाम दे रहा हूँ ये सब उसी शैली के चित्रकार हैं। और उसके अलावा दो महिलाएं चित्रकार भी हैं इस शैली में, दो महिला चित्रकारों का भी जिक्र किया गया इस शैली में। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा और मैंने पढ़ाया भी होगा, कमला और इलायची, दो महिलाएं इस शैली में चित्रकार के रूप में जानी जाती थी, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। तो यही सब चीज़ हमारे कुछ भाइयों को बकवास लगती है। तो चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय चित्रकला किस कलाकार की लिखी पुस्तक है? भारतीय चित्रकला पुस्तक किस कलाकार की इसमें से लिखी गई है? क्या हेमंत मिश्रा ने लिखी है, गोपाल घोष ने लिखा है, भावेश चंद्र सान्याल यानी बीसी सान्याल ने, या राय कृष्ण दास ने? किस कलाकार ने लिखी है, या फिर कह लीजिए कला समीक्षक, जो इसमें से एक ऑप्शन में कला समीक्षक भी है इतिहासकार। भारतीय चित्रकला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो भारतीय चित्रकला लिखी गई है मित्रों हेमंत मिश्रा के द्वारा। किसके द्वारा? हेमंत मिश्रा के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी शैली मरुभूमि के नाम से जाना जाता है? मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता था, मतलब उसको मरुभूमि भी कहते थे उस शैली को, क्या वो मेवाड़ शैली थी, हड़ौती शैली थी, मारवाड़ शैली थी, या ढूढ़ार शैली थी? तो चलिए, आपके टीजीटी पीजीटी के सिलसिले चल रहे हैं, कमेंट्स के आपके चल रहे, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और फेसबुक पे चले जाइए, अभी तक बहुत लोग नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। लाइव क्लास रात में 9 बजे आपकी चलती है और आपको वहाँ पे ज़रूर रहना चाहिए रिवीजन के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका मारवाड़ शैली। मरुभूमि किस शैली को कहा गया है? मरुभूमि कहा गया है मारवाड़ शैली को। इसके अलावा दो नाम और भी हैं उसके, एक है मरुस्थल, यानी मरुस्थल भी उसको कहा गया है मरुभूमि के अलावा, और एक कहा गया है मरु प्रदेश, याद रखिएगा, मरुस्थल, मरु प्रदेश, मरुभूमि, ये तीनों मारवाड़ शैली के नाम से में पुकारे गए नाम हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे और कह रहा है प्रश्न, भारतीय मूर्तिकला शैली और यूनानी मूर्तिकला शैली के सम्मिश्रण के फलस्वरूप जन्म हुआ किस शैली का, ये पूछ रहा है। भारतीय मूर्तिकला शैली और यूनानी मूर्तिकला शैली के मिश्रण से, मिश्रण के कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप
एक शैली ने जन्म लिया इसमें। क्या वो मथुरा शैली थी, गांधार शैली थी, दोनों ही शैलियाँ थीं, या इनमें से कोई नहीं था? भारतीय मूर्तिकला शैली और यूनानी शैली दोनों का कॉम्बिनेशन था। कॉम्बिनेशन मतलब बोथ ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का मिश्रण होने के बाद उस शैली का जन्म हुआ, या कह लीजिए उस शैली को कहा गया, वो था आपका गांधार शैली। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस कलाकार ने प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की पहली प्रदर्शनी में अपनी चित्र श्रृंखला लगाई थी? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की पहली प्रदर्शनी में चित्रों की श्रृंखला लगाई थी उन्होंने, क्या था? यानी उस कलाकार की चित्र श्रृंखला थी वो, जिस चित्र श्रृंखला को उन्होंने अपनी पहली प्रोग्रेसिव यानी पैक ग्रुप के पहली प्रदर्शनी में उन्होंने अपनी चित्र श्रृंखला ही लगा दी थी, वो आधुनिक कलाकार कौन थे? पी एन चोयल साहब थे, एफ एन सुजा साहब थे, ए रामचंद्रन थे, या आपके एस एच रजा यानी सैयद हैदर रजा? ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और मैं चाहता हूँ कि इसका उत्तर आप लोग एकदम सोच समझ के अच्छे से दें। ठीक है, आधुनिक कलाकार वो था जिसका पहला प्रदर्शनी पै ग्रुप में लगा और उसने चित्र श्रृंखला ही उसमें लगाई थी अपनी पहली प्रदर्शनी के तौर पे, और वो थे आपके एस एच रजा साहब यानी सैयद हैदर रजा साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, रक्षा के लिए नारी किस कलाकार का चित्र है? रक्षा के लिए नारी चित्र का नाम है, और चित्रित किया किस कलाकार ने? के एच आरा, बी सी शान्याल, एम एफ हुसैन, या सतीश गुजराल? तो उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्न आंसर के रूप में ड्रॉप हो रहेंगे फटाफट, और आज की आप अपनी टेस्ट को ज़रूर साबित करेंगे कि सर हमने आज के कुछ नए प्रश्नों में इस सेशन में सी अच्छा किया है। ठीक है, तो चलिए साथियों, जो भी बिना किसी शिकायत के बिना किसी मतलब की बातों को भुलाए, मतलब उन सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ अपनी पढ़ाई पे एक प्यारे कमेंट्स लाइक के साथ लगा होगा, मैं वादा करता हूँ कि वो पछता के नहीं आएगा अपने एग्ज़ाम में, अगर उसने ध्यान दिया होगा अपने दिमाग से हर चीज़ को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है के अचारा। ठीक है, चलिए, क्योंकि काबिलियत और रेगुलर पढ़ाई कभी जाती नहीं, कभी बाँव नहीं जाती, हथियार है तो एक दिन आपके उस हथियार का इस्तेमाल करने का समय आएगा, और जिस दिन आएगा उस दिन सामने वाले को पता चलेगा कि आप क्या चीज़ थे। अगला प्रश्न कह रहा है, किस आधुनिक कलाकार ने शिल्पी चक्र नामक एक कला संस्था की स्थापना की? इस प्रश्न में पहले एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, शिल्पी चक्र ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, वो दिल्ली शिल्पी चक्र ग्रुप है, वो 1890 दिल्ली शिल्पी चक्र 1890 वो बात कर रहा है, यहाँ वो बात नहीं कर रहा है, यहाँ सिर्फ शिल्पी चक्र एक संस्थान, थोड़ा सा छोटा कह लीजिए हो या थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन वो एक सिर्फ एक कला संस्थान की बात कर रहा है जिसकी स्थापना इसमें से एक कलाकार ने की, ना कि शिल्पी चक्र ग्रुप की बात कर रहा है। अगर ग्रुप होता तो मैं इसमें लिख देता कि वो ग्रुप है, लेकिन यहाँ ग्रुप नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को पहले ध्यान से समझ लीजिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, तब उत्तर दीजिएगा। शिल्पी चक्र नामक एक कला संस्थान की स्थापना क्या एम एफ हुसैन साहब ने की है, मुकुल चंद्र डे, बी सी शान्याल, या शैलेंद्र नाथ डे? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने जो कहा है शिल्पी चक्र सिर्फ एक संस्था है उसकी बात कर रहा है, ना कि ग्रुप की बात कर रहा है, शिल्पी चक्र ग्रुप की। ठीक है, तो इसकी स्थापना किया बी सी शान्याल ने, यानी भावेश चंद्र शान्याल ने। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मॉडर्न पेंटर्स इसके लेखक कौन हैं, इस पुस्तक के राइटर कौन हैं? क्या जगदीश गुप्ता इस पुस्तक के राइटर हैं, रश्किन इस पुस्तक के राइटर हैं, हेमंत मिश्रा इस पुस्तक के राइटर हैं, या आनंद कुमार स्वामी इस पुस्तक के राइटर हैं? मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक के राइटर के रूप में इसमें से किसे जानते हैं? तो वो हैं आपके रश्किन। कौन है? रश्किन।
अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का कहना है भूत भविष्य किस आधुनिक कलाकार ने चित्रित किया, यानी किसने चित्र बनाया है भूत और भविष्य, यानी पास्ट और फ्यूचर, जिसको आप लोग कहते हैं इंग्लिश में पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। इंग्लिश में टेंस भी पढ़ते हैं आप लोग, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो यहाँ है भूत भविष्य यानी पास्ट फ्यूचर किस आधुनिक कलाकार ने चित्रित किया। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने किया, समीर मंडल ने किया, जतिन दास ने किया, या अब्दुल रहमान जुगताई साहब ने किया, ठीक है, किसने किया। तो इसका चित्रण किया है डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने, जो अभी भी जिंदा हैं, सक्रिय हैं कला के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, मदर इंडिया किस कलाकार का चित्र है। मदर इंडिया एक फिल्म का भी नाम है, आपको पता होगा, जिसमें नरगिस दत्त हैं, पिक्चर के रूप में कार्य किया है रोल में। और मदर इंडिया एक चित्र भी है इसमें से बनाए हुए कलाकार का, क्या वो मदन लाल लागर हैं जिन्होंने ये चित्र बनाया है, परमजीत सिंह, जय झरोटिया या राम कुमार मजिंदर। तो कमेंट्स करिए मित्रों, और 9:30 बजे ठीक रात में हम लाइव हो जाते हैं फेसबुक पे 20 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर रिवीजन के रूप में। तो वहाँ आज जुड़ जाइएगा, जितने लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो मदर इंडिया जो चित्र है उसको चित्रित किया राम कुमार मजिंदर ने, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है कि गढ़ राजवंश का इतिहास इस पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। मुकुंदी लाल बैरिस्टर, लामा तारानाथ, मोला राम या आनंद कुमार स्वामी, ठीक है। गढ़ राजवंश का इतिहास इसके लेखक इसमें से कौन है ये पूछ रहा है। तो मित्रों इसके राइटर हैं मोला राम, क्योंकि मोला राम जो है वो गढ़वाल शैली के चित्रकार थे, और उन्होंने ही चित्रकार के साथ साथ पुस्तक लिखी जिसका नाम था गढ़ राजवंश का इतिहास। और मोला राम ने ही 1770 में गढ़वाल शैली में चित्र बनाया बादशाह अकबर गांव के कुएं के पास, एक चित्र आपको मैंने पढ़ाया हुआ, उन्हों का बनाया हुआ है। और मुकुंदीलाल बैरिस्टर ने जो लिखा है वो है गढ़वाल इतिहास, यानी गढ़वाल चित्रकला या इतिहास, ऐसे कुछ करके उनका है उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है। माखन चोर जो चित्र है वो कौन सी शैली का है। गुलेर शैली का है, बसोहली शैली का है, कांगड़ा शैली का है, या फिर आपके गढ़वाल शैली का है। किस शैली का चित्र है माखन चोर। अब माखन चोर किसको कहते हैं। कृष्ण भगवान जब बचपन में थे तो वो माखन चुरा चुरा के गोपियों से उनके घरों में खाया करते थे, ठीक है। तो उसको हम लोग कृष्ण लीला कहते हैं, कृष्ण लीला यानी कृष्ण जी के बचपन के, वो बच्चे जो बचपन में करते हैं वो लीला ही होता है, ठीक है, उसको अपराध नहीं कहा जाता। तो वही माखन चोर नाम से चित्र को चित्रित किया गया जिस शैली में, वो शैली है आपकी बसोहली शैली। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। और इस वीडियो का आपका फाइनल सबमिट बहुत जल्दी होगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे फाइनल सबमिट से पहले आप लोग लाइक शेयर के साथ आज का बेस्ट जरूर दें। जो बेस्ट आज का देगा उसका कल नाम अनाउंस किया जाएगा। एकदम देखना चाहता हूँ मैं कौन इसमें टॉप 5 में है,
उसका नाम कल अनाउंस होगा, 100% कल उनका नाम अनाउंस होगा, ठीक है। टॉप फाइव में जो भी होगा इस सीरीज में हमारे इस श्रृंखला के। प्रश्न है हमारा ये कि गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़, यानी गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी जो कि आपके चंडीगढ़ में है, किस शैली के लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह पाया जाता है। मतलब गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में, इसमें से कौन सी शैली के लघु चित्रों का संग्रह पाया जाता है सबसे ज़्यादा। देखिएगा थोड़ा और बड़ा इधर कर देते हैं, एक ऑप्शन दिख नहीं रहा ये, ठीक है। किस शैली के, तो कि पहाड़ी लघु चित्रों का संग्रह इसमें पाया जाता है इस म्यूजियम में, कांगड़ा लघु चित्रों का, राजस्थानी लघु चित्रों का, या फिर इन सभी का, ठीक है। तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में जो है वो पहाड़ी लघु चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह उसमें पाया जाता है, यानी पहाड़ी चित्रों का संग्रह उसमें सबसे ज़्यादा रखा गया है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए, करिए फाइनल सबमिट। इस प्रश्न का उत्तर आंसर देने के बाद और मैं आज कल आपको अनाउंस करूंगा टॉप फाइव बेस्ट आज के इस सीरीज में कौन दिया है उसका नाम। टॉप फाइव में आज अनाउंस करूंगा कल के वीडियो में रात में यूट्यूब पे किसने बेस्ट दिया टॉप फाइव आज के इस सीरीज में। आखिरी प्रश्न हमारा आपसे पूछ रहा है, पाश्चात्य कलाकार पाब्लो पिकासो द्वारा बनाया गया भित्ति चित्र है, पाब्लो पिकासो ने भित्ति चित्र भी बनाया है, इसमें से वो कौन सा चित्र है जो पाब्लो पिकासो ने भित्ति में बनाया है, यानी कौन से चित्र है जो भित्ति में माध्यम में। क्या धातु की रचना नामक चित्र को भित्ति में बनाया, भेड़ वाला आदमी इसको बनाया, सांड से लड़ाई इसको बनाया, युद्ध व शांति इसको बनाया। ये सभी जो हैं ये पाब्लो पिकासो के बनाए हुए चित्र हैं। जितने नाम दिख रहे हैं आपको चारों, ये चारों पाब्लो पिकासो ने बनाया है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है इसमें से कौन सा चित्र है जो भित्ति माध्यम में उन्होंने बनाया, यानी भित्ति है वो, म्यूरल है, ठीक है। तो मित्रों वो है आपका युद्ध व शांति, यही वो चित्र है जिसको पाब्लो पिकासो ने भित्ति माध्यम में बनाया। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो हमारी इस रात की 8 बजे की मैराथन की पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा प्यारे प्यारे, और 9:30 बजे तैयार रहिएगा लाइव क्लास में रिवीजन के लिए। तो चलिए आज के लिए दी इजाज़त, मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।